फिर गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है या फिर और भी कई सारे क्वालिफिकेशन मेंशन किए हुए हैं, तो उनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, मीन्स सरकारी नौकरी, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। ऑफिसर ग्रेड ए पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 2022 9 सितंबर की डेट से ये रिलीज हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लें, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है, से लेके 7 अक्टूबर 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फेजेस में सिलेक्शन क्राइटेरिया बटी हुई है, फेज वन ऑनलाइन होगा, फेज टू ऑनलाइन एग्जाम होगा और फेज थ्री में इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। पोस्ट रहेगा जिसमें कि कोई भी मास्टर डिग्री किसी भी विषय से स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 31 जुलाई 2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए। टोटल 15 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, बाकी एससी एसटी सभी के लिए कैटेगरी वाइज दी हुई है नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेल। तो ये जनरल कैटेगरी में मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर डिग्री इन लॉ मीन्स एलएलबी वाले, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बीई बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये आप चेक कर। और सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, ये चेक कर लें जिनके पास फाइनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड कोई डिग्री है तो इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है क्या, आप चेक कर लें। आईटी वाले में सिर्फ एक ही वैकेंसी है तो ये भी आप चेक कर लें। काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बट वैकेंसी सिर्फ वन है और इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है आईटी वाले में। रिसर्च इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक बट वन पोस्ट है। लीगल में बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस लैंग्वेज राजभाषा में हिंदी इंग्लिश से अगर मास्टर डिग्री की हुई है, इसमें कई सारे ऑप्शंस भी दिए हुए तो आप चेक कर लें। फ्रेशर ऑफिशियल लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सिर्फ वन पोस्ट है। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स, मीन्स जो अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज कैलकुलेट करने के लिए दो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आप चेक कर। इसी कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 10 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है। मोड 100 मार्क्स की फेज टू ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एंड फेज थ्री में इंटरव्यू कर। 1,40,000 पर मंथ, कई सारे मीन्स ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। कई सारे सिटीज जो है वो दिए हुए हर जोन में, ईस्ट जोन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल जोन में, तो मल्टीपल सिटीज। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फी। अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज है एप्लीकेशन फी। जीएसटी इसमें इंक्लूसिव है, मीन्स फाइनल जो है 1,000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, मेल कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, ऑल फीमेल कैंडिडेट नो एप्लीकेशन फी। आर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एक्सेप्टेबल एज एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर जनरल स्ट्रीम। तो अगर जनरल स्ट्रीम वाले में एमए मास्टर डिग्री नहीं भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है तो भी अप्लाई कर सकते। और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सबसे नीचे यहाँ पर देखिए करियर, नीचे सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा रेड में ब्लिंक कर रहा है करियर, इस पर क्लिक किया तो करियर वाली पेज ओपन होती है और इसमें ही आपको सारे अभी देखें रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से लिंक दी हुई है अप्लाई करने के लिए। इसके नीचे जो है सारे डिक्लेरेशन फॉर्म है, एसटी एससी ओबीसी फॉर्म 5 फॉर्म 7 फॉर्म 6 और इनवाइटिंग, इसमें कहीं पे डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आपको मिल जाएगी। जो सबसे बड़ी ये जो है 9 सितंबर में सबसे टॉप में PFRDA रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2020।